दादा असलम आया हुआ है पापा का पता करने के लिए। पापा का बुखार है। मैं मुझे भी दो सेमी बनाने लगे थे जिनके नसीब है वो भी आ गए हैं है वो भी खाने आ गए। मसालियाँ भी जा रही हैं। आपने आप में से किस किस ने ये काम किया? चीड़ खाई है बचपन में? देखिए मनाहल खा रही है। हाँ जी ये देखें ये गंड में निकाला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है जी। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम से और आप बहन भाइयों की दुआओं से। आप सब बहन भाइयों ने मेरे लिए बहुत दुआ की। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सब यहाँ पर खेल रहे थे, आज कोई भी नहीं है। ना गुलाब बिल्ली है और ना ही वो बिलाल है। तो कल हमने सब ने मिलकर खेला और अभी लोग भी बनाया और मज़ा भी आया हमको। ये गुलाब वाली वो खड़ा है स्कूल से, वो आ गया वहाँ पर खड़ा है। तो आज कोई भी नहीं है टोन में, टोन बिल्कुल खाली पड़ा है। ये देखिए गुलाब वाली ले रहा है अमरूद स्कूल से, ये भी आ गया। पता नहीं 6 में पढ़ता है, पता नहीं 5 में पढ़ता है। मैं वहाँ पर गया था तो आप ही स्कूल से आ रही हैं, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं कोई आप ही ना आ जाए फिर वीडियो में, इसलिए मैंने फिर नहीं बनाई। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस घर, वर्दी उतारूँगा और खाना पूछूँगा। कोई अच्छा हुआ तो मैं खाऊँगा वरना नहीं खाऊँगा। मैं अब जा रहा हूँ घर, मैं घर जा रहा हूँ अब। जल्दी जल्दी से मुर्गियों का भी देखूँगा, मुर्गियाँ क्या कर रही हैं। मुर्गियों मेरे ख्याल में दाना डाला है मम्मा ने, वो चुग रही हैं खा रही हैं। ओह देखे कैसे भाग जाती हैं जब खाने का नाम लूँ तो। ये मेरे पास खड़ा ना, ये इसको मैंने पकड़ना है। दादा असलम आया हुआ है पापा का पता करने के लिए। पापा का बुखार है। हमारा जी दादा आया हुआ है पापा का पता लेने के लिए। पापा का बुखार हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है दादा? ठीक है पापा। और सुनाए इतने दिनों बाद आए। और मां अपनी तबीयत नहीं सही रही। कैसे है बच्चे? ठीक है चाची? ठीक है सारे? ठीक। चाचा जी मेरा पता करने के लिए आया, मुझे दो तीन दिन से बाहर है। चाचा को पता चला है, हाफ साहब ने बताया हमारे इमाम मस्जिद ने, क्या तुम पता करके आऊँ? बहुत शुक्रिया चाचा आप आए। और आपकी तबीयत कैसी है? जब मुझे सेवी बनाने लगे थे जिनके नसीब है वो भी आ गए है वो भी खाने आ गए। जिन्हें अलवर में गाजरा मंगवा बनाया था ना, तो जो उनका नसीब था वो आके खा गया। ये चाचा का नसीब था, हमने हमारा कोई इरादा था सेवियाँ बनाने का, तो हमारा कोई इरादा सेवियाँ बनाने का नहीं था। बच्चे स्कूल से आए तो भूख भूख करने लग गए, फिर आप कहते चलो बना लो, फिर चाचा भी आ गए। इसकी किस्मत मिस में थी तो ये भी खाएंगे, इसको भी देंगे कि दादे लेने देते, दादे को नहीं देते। दादा खा दिए जी, पक्के तैयार हो चुकी हैं, प्लेटों में डाली जा रही हैं। है जी मैं लेके आ रहा हूँ प्लेट से। ये अच्छा बना लिया तो इधर भाई खा रहा है सेमिया। पापा भी उस साल में दादा असलम भी बैठा हुआ है। मैं मुझे भी दो सेवियाँ, ये बनाई हुई हैं मम्मा, मैं खाऊंगा, मैंने तो बनवाई हैं। ब्लड लग गया था तुम्हें? आ दफा हो इतने बैठ इतने बैठ। हाँ जी पक गई हैं, मैं खा रहा हूँ, मैं ट्यूशन जाना फिर। ये सबको दे दिए मैंने, तू पार हो गया तारा लगा क्या मार गया इधर। तो खा रहा हूँ जी, मैं सब खा रहा हूँ, मैं भी खा रहा हूँ।
आज दो दिन के बाद खाने लगा हूँ, पहले तो डबल रोटी वगैरह खाता रहा हूँ, आज सेवियाँ खा रहा हूँ। गर्म तो नहीं है, दाल भी दिखा दे रहे डंगर क्या रही है, कैसे खा रही है मुँह में, कैसे कर रही है मनाल, तो मैं अभी फिर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वहाँ से तबीयत भी चेक करवाऊँगा और कुछ सामान लाना है वो भी लेके आऊँगा। तो रिहान ने मोटरसाइकिल निकाल लिया बाहर, ये देखिए मोटरसाइकिल निकाल रहा है, मेरे साथ जाएगा ये। तो देखो मैं जाऊँ डॉक्टर से हो आऊँ, इंजेक्शन कहता था एक और लगना है वो भी लगवा लूँ। हाँ चलो बेटा बाहर निकालें इसको। तुमने भी जाना है, आ जाओ चलो पीछे आ जाए, जा चक्कर लाया, जा एक जूड़ा ले आए फिर चलते हैं, जाए बैठ जाए अभी आए जल्दी आए, भगाना नहीं है, चल रेहान लेके गया मोटरसाइकिल, कहता मैंने एक चक्कर लगाना है। तो हम जा रहे हैं रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं, हम रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं, वो ट्रेन भी आ रही है, सामने हरी बत्ती जल रही है, वो नज़र नहीं आ रही आपको, तो हम अब जा रहे हैं, पापा हम बाइक लगा कर आएँगे वहाँ से, मोटर बाइक लगा कर आएँगे और हम यहाँ से गुजरेंगे, लेडी है इसलिए मैं वहाँ पर नहीं कर रहा ये बाइक लेकर। चलो मनाहल हम चौक पर पहुँच गए हैं, तो रेडियाँ लगी हुई हैं कुछ कुछ भी ला रहे दुकान पर, भी दुकान पर अपना बीपी चेक करवा रहे हैं, देखें जी यहाँ पर डॉक्टर साहब मीटर रखेंगे, ये देखें जी ये नहीं ताड़े जॉब चलाना मैं कहीं इतना लाओ के भी चलाओ पर तो जॉब निकालना मैं ऐसे तो दो ये आ गया दुकान से बाहर आ गए हैं, तो यहाँ पर मूँगफली की रेडी लगी हुई है और ट्रैफिक भी चल रही है, घने वाली ट्राली भी खड़ी हुई है, यहाँ पर रश नहीं है और पीछे है रश, ये देखें मिल वाली ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी जा रही हैं, जी ट्रैफिक चल रही है तो शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, घने वाली ट्राली की घने वाली ट्रालों की वजह से था और रश हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मिल है ना वो चीनी चुनी चुनी बनाने के लिए, फिर ट्रालियाँ आती है गन्ने वाली, इतना शोर है यहाँ पर, बिल्ली कुछ खा रही है, ये देखें कुछ खा रही थी हमको देखकर, तो वो हट गई है, यहाँ इधर जा रही है चाल, जो बाहर करियाना स्टोर की दुकान पर आए हैं, चाचू सोए हुए हैं अब उठ गए हैं, कहाँ हमें पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, इधर गले वाली ट्रॉली खड़ी हुई है, पता नहीं हम कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, कब के ऐसे ऐसे पहले डॉक्टर से दवाई ली है फिर सीधा इधर को निकल पड़े हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, जी जी पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, पापा कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, हम जी इधर बेलने पे आ गए हैं, ये बेलन लगा हुआ है हसन भाई का, तो इधर पत्त पक रही है, बटन साफ कर पड़ा रहे हैं, ये देखिए जी नीचे आग चल रही है इसमें बठे में, गौर सुना हसन ठीक हो,
ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਗੁੜ? ਚਲੋ 20 ਕਿਲੋ ਗੁੜ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਊ ਮੈਂ? ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੜ ਕੀ ਪੱਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਬ ਨਿਕਾਲਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਸਕੋ। ਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ, ਜੇ ਕਬੂਤਰੋਂ ਕੋ ਦਾਣਾ ਡਾਲਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜਰਾ ਜੇ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਪਾਉਂ ਮੈਂ ਝਾਂਜਰੇ ਵੀ ਡਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਜੀ ਇਹ ਖੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲਾ, ਇਸਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਵੀਲ ਨੀਚੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਭੀ ਦੇਖ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਜੋੜਾ ਬਾਹਰ ਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਇਸਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜੀ ਗੰਢ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁੜ ਬਣੇਗਾ, ਇਸਕੋ ਫੈਂਟੇਂਗੇ ਫਿਰ ਠੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਫਿਰ ਬਣੇਗੀ ਇਸਕੀ ਪੇਸੀ, ਇਹ ਜਮੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸਕਾ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੁੜ, ਅੱਜ ਮਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਗੁੜ ਕੈਸੇ ਬਣਤਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਨ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਗੁੜ ਕੈਸੇ ਬਣਤਾ ਹੈ। ਕੜਾਈ ਮੈਂ ਜੋ ਰਸ ਪੜੀ ਹੋਈ ਥੀ ਨਾ ਵੋ ਵੀ ਉਧਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਉਸਨੇ ਆਪਨੇ ਪੁੱਛਾ ਤਾ ਨਾ ਯਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਅਬ ਪਤਾ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਰਸ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਸਕੋ ਪੱਕਣੇ ਮੈਂ ਅਬ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਯੇ ਜੀ ਮੈਨੇ ਬੇਲਣੇ ਸੇ ਇਨਕੋ ਲਗਾ ਕੇ ਦੀ ਚੀੜ, ਆਪਨੇ ਆਪਨੇ ਸੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਯਹ ਕਾਮ ਕੀਆ, ਚੀੜ ਖਾਈ ਹੈ ਬਚਪਨ ਮੈਂ? ਦੇਖੇ ਮਨਾਹਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਟਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸਕੋ ਖਾਤੇ ਹੈ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਮਾਦ ਕੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੈ ਮੈਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਸਕੋ ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਇਸਕੋ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਲਗਾ ਹੁਆ ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ ਯਹ ਬੇਲਣਾ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਡਰਮ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਸਕਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਯਹ ਇੰਜਨ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦੇਤੇ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਔਰ ਯਹ ਹੈ ਬੇਲਣਾ, ਇਧਰ ਸੇ ਗੰਨੇ ਕਾ ਚੂਰਾ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਇਧਰ ਸੇ ਗੰਨੇ ਲਗਾਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਗੰਨੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਇਸਮੇਂ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਸੇ ਚੂਰਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਯਹ ਬੇਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਹ ਇਤਨਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਭੀ ਗਰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਅਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁੜ ਕੀ ਪੇਸੀਆਂ, ਜੇ ਦੇਖੇ ਹਸਨ ਭਾਈ ਪੇਸੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰੋੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਸਕੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪੇਸੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਸਨ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਗਰਮ ਗਰਮ ਗੁੜ ਕੀ ਪੇਸੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਇਸਕੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੇ ਔਰ ਇਨਕੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਠੰਡੇ ਗੁੜ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਤਾ, ਆਪੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਦੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓ ਓ ਫਿਰ ਹਿੱਲੇ ਬੋਲੋ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓ ਜਾਦੂ ਲਗਾ ਮਨਾਲ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ, ਓ ਇਹ ਅੰਡਾ ਢੂੰਡ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਮੈਨੇ ਇਧਰ ਕਹੀ ਕਿ ਅੰਡਾ ਥਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਜਾਦੂ ਸੇ ਇਸਨੇ ਅੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆ। ਮਮਾ ਇੱਕ ਮਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆ ਠਾ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਪਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਨ ਭਾਈ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਖੂ ਖੂ ਪਪਾ ਕੀ ਆਜ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਪਪਾ ਕਾ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਲੂ ਮਟਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਆਲੂ ਮਟਰ ਬਣਾਏ ਹੈ,
ये देखें जी माशाल्लाह, चलाओ ना इसको, मम्मा भी आ गई है रोटियां लेकर। मम्मा जी ले आ गई है रोटियां लेकर। हां जी बच्चा रोटी लेके आ गई। आप आ जा इधर खा ले खाना। आ गए जी आ गए। अपने साहब जी को कह रही है मम्मा से डब्बी रोटी ले। हां डब्बी रोटी पैसे। मम्मा जी भाई क्या कह रहा है? भाई कह रहा है मम्मा से पैसे लेकर मुझे डबल रोटी ला दो। अब बताओ मैं क्या करूं? शोरबे में रोटी भर के खा लो। तो भाई बता, वो भाई नहीं पापा मेरे, पापा मेरे पता नहीं क्या करने लगे हैं। पापा क्या करने लगे हो? बल्ब लगाने लगा हूं, लाइट इधर कम है। ठीक है यहां ये होल्डर लगा हुआ है, यहां पर ही बल्ब लगाएंगे पापा जानी। बल्ब लगा लिया, अब स्विच लगाएंगे। इन्हें अब चलता। ओ चल गया हमारा बल्ब। मनाहिल भी आ गया यहाँ पर पानी लेकर। बहुत खांसी है मुझे अपने घर से। ये खा खा कर ना हमारी चबाड़ियाँ दुख रही है। वैसे मजे की थी और मुंह भी मजा मजा भी आया और मुंह चप चप करने लग पड़ा। धोया भी है फिर भी खाना दे। ये बिछाओ साइड पर। जी मैं साइड पढ़ता हूँ। मनाहिल पल्ली बिछा रही है। मनाहिल ने चटाई बिछा ली है, पल्ली बिछा ली है मनाहिल ने। साइड पढ़ो यार नहीं लगी, चल पई है। तो भाई लिया है गजरेला, मैं गजरेला खा रहा है। मेरा भी सालन आ गया और पापा का भी। आजा आजा